आज का टॉपिक में आप सब लोग का स्वागत है और वे टॉपिक है क्लास ब्रह्मी से संबंधित और वो भी जेनेटिक भाग का। और वे किस लिए एक कैसा टॉपिक है एक कुछ ही देर में आपको स्पष्ट हो जाएगा और इससे क्या आप सीखिएगा ये भी आपको पता चल जाएगा। और यह क्यों आवश्यक है ब्रह्मी के लिए खास करके यह आपको मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर यह जो टॉपिक है वह जेनेटिक से संबंधित है और मटर के पौधे से संबंधित है और उसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको ये पता होगा कि आखिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हम लोग को जानना है। यदि इसे हम लोग हिंदी में बात करना चाहेंगे तो इसका नाम है एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस, ये देखिए एक संकर क्रॉस के बारे में आप लोग को ये जानने की ज़रूरत है। और खास करके जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में कॉम्पिटेटिव में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप जरूर देखना उचित समझिए। देखिए एक संकर क्रॉस में क्या हुआ। आखिर मेंडल नाम का वैज्ञानिक, हाँ आप सही समझ रहे हैं, किनका नाम आप समझ रहे हैं, मेंडल का नाम समझ रहे हैं। और मेंडल ने इसमें क्या किया है इस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने जो किया वह सामने हम आपको झलकाना चाहेंगे। क्या किया है मेंडल नामक वैज्ञानिक, तो सबसे पहले इनका परिचय ले लीजिए। तो मेंडल एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया, तो आखिर उन्हें मेंडल और पूरा नाम इनका बात करेंगे तो नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको आप नाम से बिल्कुल परिचित हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किए एक संकर क्रॉस दिखाने के लिए कि इन्होंने सभी जगह घूमा फिरा लेकिन कोई भी चीज़ इनको पसंद नहीं आया। और सिर्फ जानते हैं किसको इन्होंने पसंद किया, सिर्फ और सिर्फ मटर के पौधे को इन्होंने पसंद किया। और मटर के पौधों में भी जानते हैं कैसा कैसा पौधे को इन्होंने पसंद किया, गजब का हाल था इनकी। मटर के पौधों में भी इन्होंने जो पसंद किया एक शुद्ध लंबा पौधा को पसंद किया और एक शुद्ध बौना पौधा, यानी लंबा पौधा और बौने पौधे को देखना चाहेंगे, अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसलिए आखिर इन्होंने जो मेंडल ने इस पर जो काम किया है उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं और इससे स्पष्ट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपको हम यहाँ ये दिखा देना चाहेंगे। एक संकर क्रॉस में आपको ये देख लेना होगा, समझ लेना होगा, एक संकर क्रॉस के बारे में अच्छे से जान लेना होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझ लेने की ज़रूरत होगी। अब देखिए मेंडल का इतना अच्छा विचार, तो आखिर मेंडल का इतना बड़ा विचार है जिस विचार से आप अवगत हो जाइएगा, अवगत होने की बात है। इसमें क्या है तो इन्होंने यहाँ पर देखिए एक टॉल, और उसमें ये जानने की बात है कि इसने जो एक टॉल प्लांट को लिया है तो टॉल प्लांट को लेने के बाद इन्होंने टॉल वाले को संपर्क किया ड्वार्फ वाले के साथ जिसे शॉर्ट भी कहते हैं। तो एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा को इन्होंने उपयोग में लाया, यानी इस पर इन्होंने अध्ययन किया। जब इस पर इन्होंने अध्ययन किया तो समझा कि अच्छा ऐसे नहीं काम चलने वाला है, ऐसा करते हैं कि इनके अंदर के जीन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जीन जो होता है ना वो जोड़े के रूप में होता है, तो जीन को प्राप्त करते हैं। और इन्होंने जो जीन को लिया उस जीन को इन्होंने आपको हम आया देखिए आप लोग को ये समझा देना चाहेंगे, इस आधार पर आपको बता देना चाहेंगे। इन्होंने जो पौधा जो टॉल लिया उस टॉल पौधे के जो जीन है, यहाँ पर हम आपको साइड में भी क्रॉस करके यहाँ दिखा देते हैं, तो जो यहाँ पर अब इसको हम मिटा लेते हैं। तो अब इन्होंने जो लिया है उस पर हम आप लोग को विश्लेषण करके दिखाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस चल रहा है और इस पर इन्होंने क्या किया है कि जो टॉल प्लांट था ना टॉल और एक ड्वार्फ, वो बगल में भी है दोनों चीज़ है, तो टॉल है और ड्वार्फ, टॉल वाला को कैपिटल टी माना और ड्वार्फ वाला को स्मॉल टी माना और दोनों के बीच क्रॉस करवाया। अच्छा से समझिएगा आपको अच्छा से आ जाएगा। अभी दोनों के बीच जब क्रॉस करवाने का स्थिति जब आई तब इसको समझिएगा क्या इसमें इन्होंने राय दिया है, तब इन्होंने क्या राय दिया है यहाँ से देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि जिन जोड़े में रहता है जब विभाजन होती है
तो विभाजन होने पर बताइए यहाँ से एक यहाँ क्रॉस करेगा, आपको बारी बारी से गुना करना है, कोई भार ही नहीं है आपको। देखिए कैसे कैसे गुना हो रही है, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, क्या राइट ना, उसके बाद यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, राइट। तो इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी जब दो स्थिति में यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं क्रॉस, ये देखिए क्रॉस यहाँ से ऐसे आ गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ से आप यहाँ समझ सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तब एक कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से जब एक क्रॉस हो रहा है तो इसका नाम यहाँ लीजिएगा, तो इसका नाम है एफ वन जनरेशन। यहाँ पर बताइए इसका मतलब हुआ फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी पहले पीढ़ी के पौधे, और ये सभी पौधे बताइए मिक्सित हुए, मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड टॉल माने मिश्रित है और लंबा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, और कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसे बताइए यहाँ ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन, तो एक टॉल पौधे का ड्वार्फ पौधे के साथ क्रॉस होगी, तो आप जानते हैं यानी इस तरह से ये जो है ना ये चार बार प्राप्त होंगे, ठीक ना, चार बार प्राप्त हो गए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर चार बार प्राप्त हुआ। जब चार बार प्राप्त हुआ तो जब ये पहला पीढ़ी पौधे प्राप्त हुआ, तो पहला पीढ़ी के पौधे को जब आपस में फिर मेंडल ने इतना में नहीं रोका, यही तो बात थी, मेंडल ने इतना ही पर नहीं रोके अपना बताइए कार्यवाही को, मेंडल ने अपने कार्यवाही को और जारी रखे और कहे कि हम करते ही जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं है, हम और भी बताइए इस पर अपना बयान रखेंगे, और बयान रखा भी इन्होंने, क्या बयान रखा है उस पर बात करते हैं। जब इन्होंने आपस में देखिएगा F2 जनरेशन जब प्राप्त करेगा, तो F2 जनरेशन देखिए यहाँ पर आपको ये शुद्ध लंबा, यहाँ बताइए मिश्रित लंबा, यहाँ मिश्रित लंबा और यहाँ शुद्ध, यहाँ क्या है शुद्ध, यहाँ पर आप समझ रहे हैं शॉर्ट है, शुद्ध बौना पौधा है। अब इसमें ये देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये आया कैसे, थोड़ा सा आपको लगेगा, तो यहाँ देखिएगा हम आपको यहाँ पर दिखा देना चाहेंगे। जब F1 जनरेशन वाले के बीच आपस में क्रॉस करवाया, F1 वाले के बीच आपस में क्रॉस करवाया, ये F1 है ना, F1 वाले दो को F1 वाले को लेकर आपस में क्रॉस करवाएगा, तो जब लंबा और बौने के बीच जब क्रॉस करवाया तो पहला जनरेशन प्राप्त हुई, और पहला जनरेशन वाले पौधे के बीच जब आपस में क्रॉस करवाएगा तो दूसरा जनरेशन होगा। तो इस तरह से एक ही गुण वाले पौधा यानी एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना, तो एक गुण वाले पौधे के बीच जब क्रॉस करवाई जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा एक संकर क्रॉस, क्लियर हो गया, तब इसका नाम क्या हो जाएगा एक संकर क्रॉस, क्योंकि एक ही गुण यानी एक गुण लंबा एक गुण बौना और दोनों के बीच क्रॉस होगा तो एक संकर क्रॉस इसी का नाम होता है। ओके, एक संकर क्रॉस हो गया। अब बताइए जब पहले पीढ़ी वाले के बीच जब आपस में क्रॉस होगी, तब यहाँ देखिए बड़ा टी ऑल राइट, इसके बाद आप यहाँ से लिए, यहाँ से फिर यहाँ आ जाइए, बड़ा टी छोटा टी गुड, इसके बाद यहाँ आ जाइए, आप यहाँ समझ सकते हैं यहाँ, तो बड़ा टी पहले लिख सकते हैं छोटा टी, यहाँ आ जाइए, यहाँ यहाँ ये छोटा टी छोटा टी। अब क्या बताइए, अब यहाँ आपको दो ऐसे आया और एक ऐसे आया और एक ऐसे आया, इससे कोई और मिल रहा है नहीं ना, मिल रहा है इससे, और ये दो अलग हो गया और ये एक अलग हो गया। अब ये बताइए कि एक दो एक यहाँ मिलाइए, एक दो एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये जो हो गया ना इसकी बताइए जो अनुपात है, इसे आप ऊपर में देखिएगा 3:1 भी कहते हैं, क्यों कहते हैं देखिए है तो इसमें दोनों जीन बड़ा और छोटा जीन, लेकिन गुण कैसा होगा, बड़ा का लक्षण दिखेगा तो बड़ा ही होगा, और यहाँ भी बताइए बड़े का तो ये भी बड़ा, और ये चूंकि बड़ा तो शुद्ध है और शुद्ध है, तो शुद्ध अशुद्ध दोनों मिलाकर 2:1:3 और ये हो गया 1, यानी 3:1, इसे समलक्षणी अनुपात 3:1 कह सकते हैं, 1:2:1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ इसका नाम हो जाएगा F2 जनरेशन, क्या हो जाएगा इसका नाम F2 जनरेशन। तब पहली पीढ़ी वाले के बीच जब आपस में क्रॉस करवाते हैं तो F2 जनरेशन के पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना और दो मिश्रित गुण वाले होते हैं। ये देखिए फिर से एक बार आपको मैं रिपीट करना चाहूँगा, एक इकाई लक्षण के आधार पर दो विपरीत गुण वाले पौधे के बीच जब आपस में क्रॉस करवाई जाती है तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। इसकी जानकारी मेंडल नामक वैज्ञानिक ने दी है। इसके लिए मेंडल ने एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौने पौधे को चुनाव किया और दोनों के जीन को प्राप्त किया, जीन जोड़े में होता है इसलिए जोड़े के रूप में है, इनके जीन के बीच आपस में क्रॉस करवाएंगे तो पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त होंगे।
और पहली पीढ़ी के पौधे जब प्राप्त होंगे और उसको जब आपस में क्रॉस करवाइएगा तो दूसरी पीढ़ी प्राप्त होगा, और दूसरी पीढ़ी प्राप्त होगा तो आई क्रॉस के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना और दो मिश्रित गुण वाले होते हैं, इनके अनुपात एक अनुपात दो अनुपात एक होता है, एक और दो मिलाएगा तो तीन अनुपात एक होता है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ से आप लेकर के सब आप समझ सकते हैं अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, कोई दिक्कत तो आप लोग का नहीं हुई होगी, यदि आपको दिक्कत हो तो कमेंट भी करिएगा, हम आपके कमेंट देकर अगले वीडियो में सुधार भी करेंगे यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है ना, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक कितना ही धन्यवाद।